नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ लर्न कंप्यूटर इन हिंदी। दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल यूज करते हैं? और एक्सेल में क्या आप ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कुछ इस तरह से डालना चाहते हैं, जहाँ पे आप डेटा पुट करेंगे और वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक पुट होना चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ अपडेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर वो डिटेक्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से कुछ अगर सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न कंप्यूटर इन हिंदी और सीखते रहिए कुछ इस तरह से नए ट्रिक्स। चलिए दोस्तों, अब ये सीरियल नंबर किस तरह से इनपुट किया गया है ये मैं सिखाता हूँ, ठीक है। ये सिखाने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं बेसिक और ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग सीरियल नंबर कैसे पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें इधर देखिए, ये कुछ सीरियल नंबर है, इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक है हमारा ट्रेडिशनल, यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से कुछ पुट किया करते हैं, ठीक है, तो सीरियल नंबर आता है। हाँ, अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है सीरियल नंबर पुट करने का। आपको स्टार्टिंग में 1 एंड 2 दो बार काउंटिंग करना है, दो बार लिखना है, और देन उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस का सिंबल बनते वक्त पूरा ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक सीरियल फिल हो जाएगा। या ना तो कंट्रोल जेड करते हैं, या ना तो प्लस का सिंबल बनता है और इस जगह पे बाजू में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है प्लस के सिंबल पर डबल क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर पुट हो जाएगा। ये दूसरा मेथड रहा, ठीक है। तीसरा मेथड है, मान लो ये 1 है, आपने पूरा नीचे तक 1 ड्रैग कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो फिल ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन पे ये टिक पे क्लिक करेंगे, ये क्या लिखा है फिल सीरीज, इस पे क्लिक की ऑटोमेटिक सीरियल नंबर में आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, अगला अगला क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 1 लिखना है, देन आपको क्या करना है इक्वल टू दिस प्लस 1, देन आपको ड्रैग डाउन करना है तो भी सीरियल नंबर आ जाते हैं, है ना, कमाल की चीज। अच्छा, और भी है सीरियल नंबर लिखने के तरीके, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला डालते हैं इज इक्वल टू रो, ROW रो आया। रो रिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिखते नहीं, जिस जगह पे आपने यहाँ पे मान ले सपोज आपने यहाँ पे रो लिखा और एंटर मारा तो ये यानी कि इसका रो नंबर 1 2 3, तो ये 3 पे दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कितना रो नंबर आपने छोड़ा 1 2, अगर दो रो नंबर छोड़ा है -2 कर दो। ये देखिए 1 आ गया, अब इसको सेलेक्ट कीजिए या कॉपी पेस्ट करके या कंट्रोल डी मार के ड्रैग डाउन कीजिए, इस तरह से भी सीरियल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम डिलीट करते हैं फॉर एग्जांपल ये डेटा, तो देखिए ऑटोमेटिक ये सीरियल नंबर अपडेट इधर भी हो जा रहा है, इधर भी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन हमने लगाया है कुछ इस तरह से, ये इधर नहीं होगा, अगर हम लोग डिलीट करते हैं इधर ये नहीं होगा, ये कुछ नया है। चलिए शुरू करते हैं वही चीज, ठीक है। सबसे पहले ये चीज सीखने, ये देखिए अगर हम लोग इसको डिलीट करते हैं ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डिलीट होता है, हमको यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया है, ठीक। अभी ये देख लेते हैं हम इसको क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूले सब डिलीट मारते हैं, और हाँ यहाँ पे यूज करते हैं इज इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो भाई, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो आपको क्या करना है एक फॉर्मूला यूज करना है मैक्स, ठीक। मैक्स लिया, आपको क्या करना है दिस कॉलन दिस, यानी कि सेम सेल 2 टाइम्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन ये आपको बॉर्डर क्लोज करना है और ये फर्स्ट वाले को F4 से, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर दो, ठीक है। देन उसमें क्या करना, मैक्सिमम नंबर लेना +1 कर देना, ठीक, कॉमा, न तो क्या करना वैल्यू फॉल्स, न तो कुछ नहीं, ठीक। और इस फॉर्मूले को हम यहां तक कंट्रोल डी या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब जैसे कुछ भी डेटा लिख रहे हैं, देखिए नंबर ऑटोमेटिक सीरियल दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डेटा हम लोग लिखते हैं न्यू, तो सारे सीरियल नंबर वो अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है, यहाँ पे कुछ लिखे, ये देखिए सारे नंबर आ गए, है ना कमाल की चीज, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर नहीं समझ में आया रिटर्न एक बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।